दिस इज न्यूज पेपर, ये रबर, ये दोस्तों कई बार होता है ना, हम कोई डिसीजन लेते हैं और हमें पता होता है कि इसका परिणाम बहुत ही अच्छा होने वाला है, लेकिन फिर भी जब उसकी मुसीबतों का सामना कर रहे होते हैं ना, तो हम बहुत बार ऐसा सोचते हैं कि हमने सही डिसीजन लिया है ना, या फिर बहुत सारे लोग आके आपको बता देते हैं कि आपने गलत डिसीज़न लिया है। तो ये जो एक मतलब कसमकस हमारे दिमाग में चलती रहती है, वो हमेशा हमें पीछे की ओर खींचती है, लेकिन जब आप अपने परिणाम के बारे में सोचेंगे ना, तो आप आगे बढ़ जाएंगे और सारी मुसीबतों को झेल लेंगे, ठीक है। और जो भी मेहनत करनी है वो आप प्रॉपर करते रहेंगे। तो अभी यहाँ का सुबह का समय है, बेटी का स्कूल का टाइम हो गया, 7:30 बज रहे हैं, तो उसको जाना है स्कूल और मैं उसकी पोनी बना रही हूँ। बेटा मेरा उठ गया है आज थोड़ा जल्दी, तो ये हो गया, लग गया अपने काम में और ये आज मुझे काम नहीं करने देगा, सारा दिन इसका काम चलता रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से सुबह मॉर्निंग होती है, कभी कभी सो रहा होता है तो मैं फटाफट काम कर लेती हूँ। तो योगा वगैरह मैंने किया और बेटी को बस स्कूल भेजना है, ठीक है। तो अभी जो मेरे लाइफ में जो चल रहा है ना, वो सबसे बड़ा टास्क था, मतलब ये पूरे 1 वीक की अगर बात बताऊँ, बच्चे की बॉटल को छुड़वाना, ठीक है। क्योंकि अभी बच्चा 1 साल का होने वाला है, ठीक। और बच्चा जब 1 साल का होने वाला है ना, तब सबसे सही समय होता है बच्चे का बॉटल छुड़वाना। लेकिन फिर भी मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी कि अगर बच्चा आपका चलता नहीं है अभी, तो आप थोड़ा रुक लो, जब वो चलने लग जाए उसके बाद बॉटल छुड़वाना, क्योंकि कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है बच्चों को, है ना, जो कि मिल्क में बहुत ज़्यादा होता है। एकदम से बच्चा छोड़ देगा तो हो सकता है उसका चलना भी लेट हो सकता है, उसको बहुत सारा भी माइलस्टोन अचीव करना है। तो बच्चा जब चलने लग जाए ना, उसके बाद अब जो है तो बॉटल छुड़वाने का सोचो, ठीक है। तो मेरा बेबी जो है अभी चलने लग गया है, तो ये बॉटल छुड़वाने का मैंने सोचा। तो मेरी बेटी भी जो, वो भी बॉटल से दूध पी है पूरा, मतलब पूरा ही मान लो, क्योंकि उसको भी 1.5 महीने के बाद मैंने बॉटल दे दिया, बच्चे को 1 महीने के बाद बॉटल दे दिया। अब क्यों दिया, मेरी कुछ परेशानियाँ थी, ठीक है, इतना ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस नहीं हो रहा था, जिसके कारण बच्चे बहुत ज़्यादा भूखे रहते थे, तो मैंने ये मतलब किया, ना चाहते हुए भी देना पड़ा। अब बहुत सारी मदर्स होती हैं, डॉक्टर बोलते हैं भाई कटोरी चम्मच से पिलाओ, इससे पिलाओ, उससे पिलाओ, नहीं हो पाता है, ठीक है। इतना बार बच्चा दूध पीता है, उतने बार कितने बार आप कपड़े चेंज करोगे, बार बार गले में गीला हो जाता है उनको। तो बॉटल अगर आप अच्छे से रखते हैं, रख रखाव अच्छा रखते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसकी सेपरेट वीडियो मैंने बनाई है, अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है तो वो वीडियो आप देख सकते हो, बॉटल अगर कंटिन्यू करते हो तो, ठीक है। तो वो एक अलग मैटर हो गया। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बॉटल को देखो छुड़वाने की, ठीक है। तो 1 साल में क्यों छुड़वाना चाहिए, सबसे पहले हम उसकी बात करेंगे, क्योंकि वहाँ से आपको समझ आएगा कि सच में आपको बॉटल छुड़वाना भी है या नहीं छुड़वाना है। अब बच्चा अगर 1 साल के आसपास का है, तो वो चलने लग गया, अब चलने लग गया तो अपने हाथ से वो दूध की बॉटल पकड़ के पिएगा, तो इधर उधर गिराएगा, बॉटल से खेलेगा, हाथ लगाएगा, फिर वही बॉटल बार बार मुँह में डालेगा। तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो होती है बच्चों को इन्फेक्शन होने की। दूसरी चीज़ ये, बच्चे अगर इस समय बॉटल नहीं छोड़ता है और 1.5 साल से ऊपर निकल जाता है, तो फिर बच्चे के दिमाग में ना बॉटल ही बॉटल घुसता है, फिर आप बॉटल को लाख छुपा लो, लेकिन बच्चे को वो भूलता नहीं है, और वो बहुत मुश्किल हो जाती है बॉटल छुड़वाने में। फिर बच्चा 3 साल तक 4 साल तक, कई कई बच्चे 5 साल तक भी बॉटल पीते हैं, ऐसे मैंने देखे। हालांकि 3 साल में बहुत सारे बच्चे छोड़ भी देते हैं, पर 3 साल तक बहुत लंबा टाइम होता है, इतना टाइम लंबा बॉटल को खींचना। फिर देखो बॉटल का रख रखाव, और हर जगह आपको कहीं जाना है बच्चे को लेकर, तो आपको बॉटल कैरी करो, ये सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा होती हैं। अब बच्चा जब छोटा रहता है तो अपने हाथ से पिलाना है, रख रखाव भी आसान होता है। तो 1 साल के बाद मुझे लगता है कि छुड़वा देना चाहिए, बाकी आपकी इच्छा है, अगर आप चाहो आगे पिलाना, बहुत सारे लोग पिलाते हैं, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे मेरी बेटी जा रही है स्कूल, और बेबी को भी मैं नीचे लेके आई हूँ, तो बाय करने आ गया वो दीदी को यहाँ पे। तो छोटा छोटा टाइम जो होता है ना बच्चे के साथ, इस तरह से निकालना पड़ता है। देखो टाइम बिल्कुल कम मिलता है, लेकिन बच्चे को जितना एक्सपोजर आप दे सकते हो दो, बच्चों के हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है, उनको बहुत अच्छा लगता है, और बच्चे क्रैंकी भी नहीं होते हैं, मज़े करते हैं। तो सुबह सुबह आज उठ गया है, तो मैं नीचे लेके आई हूँ, अब इसको थोड़ा सा घुमाऊंगी। अब चैलेंजेस क्या आते हैं, सबसे पहले ये सुनते हैं, तो उससे आपको और क्लियर हो जाएगा क्या बच्चे की बॉटल हम छुड़ाएं या नहीं। तो पहला चैलेंज आएगा कि बच्चा बहुत ज़्यादा रोएगा, ठीक है, चिड़चिड़ा होएगा, और ग्लास से आप दूध पिलाने की कोशिश करोगे तो शायद वो मुंह भी ना लगाए और ग्लास को भी हाथ लगा के फेंक दे, अड़ाए दूध गिराए, है ना, हाथ से छलका दे, तो आपको आएगा थोड़ा थोड़ा गुस्सा आ सकता है, पर आपका मतलब उसको जो है तो थोड़ा सा कंट्रोल करना, और कुछ कोई बात नहीं, बच्चा 1-2 दिन दूध अगर थोड़ा कम पीता है, नहीं पीता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी जो चैलेंजेस आते हैं बच्चे का हेल्थ पे आता है, रियली ये बात सही है, बच्चे का थोड़ा सा हेल्थ डाउन होता है, बच्चा आपको लगेगा थोड़ा सूखा सूखा 2-3 दिन, लेकिन
यकीन मानिए 3-4 दिन के बाद वो ग्लास से दूध पीने ही लग जाएगा। कैसे पिएगा वो भी मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। ये तो दो चैलेंज है। तीसरा एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है भाई, जब घर के काम नहीं होते ना आपसे, बच्चे को संभालना पड़ता है, क्रैंकी होता है, दूध नहीं पीता ना, तो घर के लोग आके बोलेंगे आपको कि बॉटल दे दो उसको, क्यों छुड़वा दिया अभी उसके टाइम है पीने का, ठीक है। लेकिन आप यकीन मानो उनको उससे कोई मतलब नहीं है, आपके काम से मतलब है, समझो इस चीज़ को, ठीक है। तो आप अपने जो है ना इस बात पे अडिक रहो कि हाँ अगर आपने सोचा है बॉटल छुड़वाने का, तो फिर आपने सोच लिया तो आप उस चीज़ को फॉलो कर लो कि ठीक है बच्चा रो रहा है तो मैं ले रही हूँ, काम थोड़ा सा आपका बढ़ेगा, और आपको हो सकता है कभी कभी चिड़चिड़ापन लगे 2-4 दिन, कोई बात नहीं, अच्छे के लिए है ना बच्चे के, तो ये सोच के आप थोड़ा सा उसको सह लो। दूसरी चीज़ होती है कभी कभी हस्बैंड से भी प्रेशर आ सकता है कि भाई जब आधी रात को बच्चा रोएगा ना उठ के बॉटल के लिए, और आप दोगे नहीं तो बार बार वो उठेगा, तो हस्बैंड से भी कई बार प्रेशर आएगा कि बॉटल क्यों छुड़वा रहे हो, दे दो। तो देखो हस्बैंड को समझाना थोड़ा सा आसान होता है जब आप बताओगे कि भाई डॉक्टर भी मना करते हैं, ऐसे ऐसे इन्फेक्शन हो सकता है उसको, ठीक है, उसके लिए ठीक नहीं है, या 3-4 दिन की प्रॉब्लम है वो सही हो जाएगा, तो हस्बैंड समझ जाते हैं, क्योंकि हस्बैंड को भी चिंता होती है बच्चे की, ठीक है। तो हस्बैंड लोग को समझाना थोड़ा सा आसान होता है, बाकी घर वालों को थोड़ा सा आपको हो सकता है झेलना पड़े। कई लोग समझदार होते हैं, समझ भी जाते हैं, ठीक है, तो वो घर के मेंबर के ऊपर डिपेंड करता है कैसी समझदारी है। तो ये रही बात, अब चलिए चलते हैं कि भैया बॉटल छुड़वानी कैसे है। मेन जो मुद्दा ये है कि आपको प्रोसेस कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहला प्रोसेस ये है कि बच्चा अगर दूध पी पी के सोता है, मतलब कि बच्चा अगर गोद में है बॉटल ले के सोता है, ठीक है, तो सबसे पहले आदत आपको वो वाली छुड़वानी है। कैसे, बच्चे को अच्छे से खाना खिला दीजिए, घुमाते फिराते उसको सुलाई, भले ही गोदी में सो जाए, बॉटल चूसता हुआ बच्चा नहीं सोना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको 1-2 हफ्ते ये आपको प्रोसेस करनी है बॉटल छुड़वाने के पहले। फिर भले ही बच्चा रात में उठ रहा है तो आप बॉटल दूध पिलाओ, सोते समय बच्चा बॉटल मुँह में नहीं होना चाहिए, पहली चीज़ आपको ये फॉलो करनी है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ जो आपको फॉलो करनी है, ये तो हो गई 1 हफ्ते की बात, दूसरी चीज़ आपको फॉलो करनी है ये दिन का बॉटल छुड़वा, ठीक है। कोशिश करो जैसे ही बच्चा उठ जाता है ना सुबह सुबह उसको बढ़िया सा सेरेलैक वगैरह बना के खिला दो बढ़िया पेट भर, तो बच्चा बॉटल से डिस्ट्रैक्ट होने लग जाएगा, ठीक है। ये तो रही हमारी दूसरी बात, सेरेलैक कैसे बनाना है वो मैं आपको बताऊंगी अभी, ठीक है। अगर आप चाहते हो तो वो आगे का पार्ट भी देख लेना, बहुत ही अच्छा है, स्टंट बन जाता है सेरेलैक, ठीक है, मतलब 2 मिनट में बन जाएगा, बहुत ही अच्छा है, ठीक। तो अभी जो है ना, अब ये हम आते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट हमारा ये है कि अब हमें दिन की बॉटल छूट गई, बच्चा मुंह में जो बॉटल ले रहा था वो छूट गया, अब आता है बच्चे का रात रात में जो बॉटल छुड़वाना है वो, ठीक है। यहाँ पे देखो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि बच्चा जो है ना बहुत जल्दी से नहीं मानता है, ठीक है, और रात में उठेगा उसको भूख लगती है, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, बच्चे को रात को अच्छे से खाना खिलाना है। अच्छा खाना मतलब हैवी खाना, हैवी खाना मतलब रोटी हो सकता है, दूध दलिया हो सकता है, दूध रोटी हो सकता है, दाल रोटी हो सकता है, जो बच्चा पसंद करे, नमक का खाता है दाल रोटी खिला दो, दूध का पसंद करता है या मीठा खाना पसंद करता है तो थोड़ा सा 2 चुटकी चीनी डाल के, या फिर मैंने आपको खजूर का पेस्ट बताया है वो बहुत हेल्दी है, वो देख लेना वीडियो में, कई वीडियो आप स्क्रॉल करोगे तो आपको मिल जाएगी, ठीक है, अभी 1-2 महीने पहले मैंने शेयर किया था। तो वो पेस्ट आप आधे चम्मच मिला दो, बढ़िया मीठा हो जाता है, बच्चे ठीक है खा लेता है, छोटे छोटे रोटी के टुकड़े कर दो, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है उस टाइम पे ना, बच्चे का पेट भरना जरूरी है, नहीं खा पा रहा है, थोड़ी सी मिक्सी में ग्राइंड कर दो सूखी सूखी रोटी को, और फिर बढ़िया दूध में डाल के खजूर का पाउडर डाल के वो आप बच्चे को खिला दो, ठीक है। 1-1.5 रोटी बच्चा अगर खा ले तो बहुत ही अच्छे से रात भर वो सो जाएगा, बहुत ज़्यादा भी मत खिलाना, क्योंकि क्या होता है बच्चे का डाइजेशन अगर गड़बड़ है ना तो फिर डाइजेस्ट नहीं होता, वो भी बार बार परेशान करेगा, तो 1 रोटी के आसपास जो बच्चा खाए, ठीक है, वो खिला दिया अपन ने, अब बढ़िया से बच्चा खा लेगा अगर, तो वो रात में देखो नहीं उठेगा या 1 बार ही उठेगा, ठीक है। अब वो जब 1 बार या उठ जाता है या कब 2 बार उठ जाता है, ठीक है, तो आप पहला काम क्या कर सकते हो, उसको किचन में लेके आओ गोद में, और आप दूध थोड़ा सा ग्लास में, बच्चों वाली जो ग्लास होती है वो आपको लेना है, ध्यान रखना है छोटी ग्लास, बहुत बड़ी ग्लास मत ले लेना, बड़ों वाली बच्चे से पीते नहीं बनेगा, तो छोटी ग्लास में आप दूध जो है उसका बनाओ, और उसमें क्या करो कि ना थोड़ी सी वही पिन खजूर का पेस्ट डाल सकते हो, और बच्चे को मीठा पसंद है, या फिर थोड़ी सी देखो 2 चुटकी चीनी मिला दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इतना, ठीक है, 2 चुटकी चीनी में कुछ नहीं हो जाना, बच्चे की बॉटल छुड़वानी है तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। मेरा सजेशन मानोगे अगर तो मैं खजूर का पेस्ट प्रेफर करती हूँ, कि वो हेल्दी भी रहता है, लॉन्ग टाइम भी बच्चा पिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये हो गई, अब जब बच्चे को आप लेके आओगे तो हो सकता है उस टाइम भी बच्चा ना पिए रात में, एक तो नींद में होता है बच्चा, ठीक है,
तो मैं अपनी थोड़ी सी यहाँ पे आपको बताती हूँ। जैसे मेरे साथ क्या होता था ना कि 6 बजे बच्चा उठा, बहुत क्रैंकी, उसको मिल्क चाहिए होता है, तो मैं क्या करती थी, लिफ्ट के पास जाती थी, लिफ्ट के बटन दबाती थी, तो वो उससे ही खुश हो जाता था, तो उसकी नींद हो जाती थी, खुल जाती थी, तो मैं उसको ग्लास ऑफर कर देती थी, ठीक है, एक आध घूंट भी पी ले तो बहुत है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन चिड़चिड़ करता था, 2-3 दिन प्रॉब्लम हुई। तो ऐसे क्या कर सकते हो, बच्चे का कोई भी फेवरेट चीज़ है या फिर बच्चा जिससे बिल्कुल अटेंशन देता है इस चीज़ पे, वो चीज़ बिल्कुल सामने ला के रख लो, तो बच्चा 1 मिनट के लिए बिल्कुल से जग जाएगा। अब उस समय उसको ऑफर कर दो, देखना बच्चा मीठा लगेगा तो पी लेता है, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। ये 2-3 दिन तक चलेगा, 2-3 दिन बाद बच्चा फिर पीने लग जाता, कई बार बच्चा सिंपल दूध भी इनटेक करने लग जाता है, इतना दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह से रात में जैसे ही 2-3 दिन चिड़चिड़ाएगा, फिर उसके बाद उसको ग्लास ही दिखेगी, बॉटल को वो भूल जाएगा। और बॉटल को भुलाने के लिए, बॉटल इन दिनों, इन प्रोसेस में जब आप कर रहे हो ना, बॉटल उसके सामने नहीं दिखनी चाहिए, कहीं भी नहीं दिखनी चाहिए, ना तो बॉटल का कोई जिक्र होना चाहिए। जैसे होता है ना, बोल देते हैं बॉटल वहाँ रखी है, बॉटल का नाम भी नहीं लेना है घर के किसी मेंबर को, मतलब कुल मिला के बच्चे को स्किप करा देना माइंड से वो चीज़, बार बार उसको याद नहीं दिलाना है वो चीज़ें। या किसी से आप डिस्कस करो ना, इसकी बॉटल छूट गई, बॉटल से दूध पीता था, इस टाइप के सेंटेंस आपको बच्चे के सामने नहीं बोलना है, क्योंकि बच्चा भी बहुत अच्छे से चीज़ें समझने लग गया है, सुनने लग गया है, ठीक है, और उसे ये भी पता है कि बॉटल कहाँ रखी जाती है, तो कई बार बच्चा इंडिकेट करके मांगेगा भी, तो आपको ये उस जगह से बॉटल को हटा देना है। ये सारा प्रोसेस अगर आपने कर लिया तो आपको बच्चे की बॉटल छुड़ाना हो जाएगा बहुत ज़्यादा आसान, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये सही उम्र है, अगर आप चाहते हो तो बॉटल के बच्चे की छुड़ा सकते हो। और अब मैं बताऊंगी एक आपको ऐसी रेसिपी जो बच्चे के लिए बहुत अच्छी है, हेल्दी तो रहेगी साथ साथ बनने में बहुत ज़्यादा आसान है, बच्चे को आती है बहुत ज़्यादा पसंद, ठीक है। तो हम इसको मतलब बॉटल छुड़ाने के टाइम भी आप बहुत अच्छे से बच्चों को दे सकते हो, काफ़ी ज़्यादा बच्चे पसंद करते हो। हाँ, बॉटल का इसको अल्टरनेटिव तो नहीं बोल सकते कि उसकी जगह मतलब कोई लिक्विड वाला तो नहीं है, पर ये सेरेलैक है बहुत अच्छा, तो आप इसको ज़रूर देखिए और ज़रूर बनाइए, बच्चों को खिलाइए। सबसे पहले तो देखिए इसके इंग्रेडिएंट्स में आपको लेनी है ड्राई चीज़ें, ऐसी रोस्ट करने वाली चीज़ें जो जल्दी से पानी में या दूध में गल जाएँ, जैसे कि ओट्स हो गया, लाई हो गई, पोहा हो गया, और कॉर्नफ्लेक्स हो गया, रोस्टेड चना हो गया, और मखाने हो गए, ड्राई फ्रूट्स जो ड्राई वाले, किशमिश वगैरह नहीं क्योंकि चिपचिपी होती है, जो ड्राई वाले जितने ड्राई फ्रूट्स हैं वो डाल सकते हैं। क्वांटिटी का बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इसमें क्वांटिटी का बहुत ज़्यादा रोल है, ठीक है। मैंने एक एक कटोरी सभी ले ली है, आप चाहें तो थोड़ा बहुत, जैसे ज़्यादा कम हो तो आप वो एडजस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर मखाने एक कटोरी की जगह 2 कटोरी भी डाल दी तो कोई इशू नहीं, लाई एक कटोरी की जगह 2 कटोरी भी चली गई तो कोई इशू नहीं, ठीक है। तो ड्राई फ्रूट्स एक लिमिट में हम जैसे डालते हैं, हाफ हाफ कटोरी सभी तरह के ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा सा हैवी होते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को हमें लेना है, अच्छे से कर लेना है रोस्ट, और उनको बढ़िया ग्राइंड पाउडर बना लेना है। अगर बच्चा 1 साल से कम का है तो आप इसको एकदम फाइन पाउडर भी बना सकते हैं, थोड़ा सा बच्चा बड़ा है थोड़ा दरदरा भी बना सकते हैं, लेकिन बनाने के बाद चलनी से बहुत अच्छे से इनको जो है ना चाल लीजिए, क्योंकि कई बार नट्स के बड़े टुकड़े जो कि हो सकता है आपको पता ना चले बीच में रह जाएं, इसलिए बच्चे के कभी चोक नहीं हो गले में, तो आप एक बार चलनी से ज़रूर से इसको चाल लीजिए। दरदरा रखना है तो मोटी चलनी से चाल लीजिए, और बारीक रखना है तो बारीक वाली चलनी से। तो इस तरह से आप इसको फाइन पाउडर बना सकते हो, और अब इसको दे सकते हो, देखो मिल्क के साथ, गरम मिल्क में आप इसको डाल दीजिए 5 मिनट के लिए, ये या 2 मिनट के लिए, बिल्कुल अच्छे से जो है तो सेट हो जाएगा और बन जाएगा। और गरम पानी में भी आप इसको बना सकते हैं, मीठा करने के लिए बिन खजूर का पेस्ट ऐड कर सकते हैं। और लेकिन मैं जैसे पानी और दूध की जगह बात करूँ तो मैं पानी से ज़्यादा प्रेफर करती थी, क्योंकि बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स रहते हैं ना, तो फिर लगता है कोई चीज़ दूध के साथ सूट करे या ना करे, तो इस वजह से। बाकी एक आध बारी मैंने दूध से भी दिया है तो कोई ऐसी प्रॉब्लम होती नहीं है, तो आप उससे भी दे सकते हो, बट मैं प्रेफर करती हूँ पानी से। तो मैं इसको पानी के साथ देती थी, थोड़ा सा पिन खजूर का पेस्ट मिला के, तो ये मतलब इतना जल्दी बन जाता है, अगर ट्रैवल में आप कहीं जा रहे हैं तो बहुत अच्छा है। गर्म पानी की एक बॉटल रख लिया, ये पाउडर रख लिया, ठीक है, बस फटाफट से कटोरी चम्मच में थोड़ा सा गला दिया गरम गरम पानी में और बन गया। जैसे मार्केट वाला सेरेलैक होता है बिल्कुल वैसा ही मतलब बनता है, टेस्ट भी बहुत अच्छा रहता है। मेरी तो जो बेटी है ना उसको भी इतना पसंद आता है, वो कहती नहीं कि मम्मा अपने घर पे बनाया लगता ही नहीं है, तो मतलब टेस्ट इतना बढ़िया, आप बना के देखना, खुद भी टेस्ट करोगे आप तो आपको लगेगा कि कितना अच्छा है। हालाँकि वो सूखा खाती है इसको, और बेबी को मैं वाटर में मतलब या ऐसे डाल के देती हूँ।
तो चलिए, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी दोस्तों, तो आपका पहला जिम्मेदारी बनती है कि उन लोगों के साथ शेयर करना जिनके बच्चे 1 साल के होने वाले हैं या फिर हैं या बॉटल से दूध पीते हैं, छुड़वाना हो तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, क्योंकि अभी जो रिसेंटली मैंने जो चीज़ें फेस की वही चीज़ें आपके साथ शेयर किया। तो चलिए, वीडियो पसंद आई होगी तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब नहीं है क्या चैनल तो सब्सक्राइब भी करिएगा, क्योंकि घरेलू जितनी भी चीज़ें रहती हूँ मैं आपके साथ जो अच्छी चीज़ें रहती हैं वो शेयर करती रहती हूँ। तो चलिए, इस वीडियो को यहीं से एंड करते हैं। वीडियो कैसी लगी मुझे कॉमेंट बॉक्स पर ज़रूर से बताइएगा। चलिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।